राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर की तरफ कूच कर रही है। 120 दिन की यात्रा अभी पूरी हो चुकी है जिनकी मौजूदगी पंजाब के अंदर है, लेकिन राहुल के लिए यात्रा किसी बाधा दौड़ से कम नहीं है। आज एक और बाधा आई है और एक दुखद घटना सामने आ गई। यात्रा जब लुधियाना से जालंधर की तरफ आगे बढ़ रही थी तभी राहुल गांधी के साथ चल रहे जालंधर से सांसद संतोख सिंह की तबीयत बिगड़ जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं और कार्डियक अरेस्ट बताई जाती है वजह और उनका निधन हो जाता है। जब भारत जोड़ो यात्रा के 120 दिन पूरे हो गए, जब यात्रा 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी, जब यात्रा अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी, जब यात्रा के फाइनल राउंड की तैयारी चल रही थी, तभी बड़ा हादसा हो गया। 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का पवित्र मौका और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक दुखद घटना हो गई। यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद संतोख सिंह का निधन हो गया। आज सुबह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लुधियाना के लाडोवाल से जालंधर की तरफ बढ़ रही थी। सांसद संतोख सिंह राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। मौसम बेहद सर्द था, कपकपाती ठंड थी। 75 साल के संतोख सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई, वो लड़खड़ाकर गिर पड़े। राहुल वहीं रुक गए, पलटकर संतोख सिंह को सहारा दिया, खुद अस्पताल ले गए, लेकिन नियति में निधन लिखा था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही संतोख सिंह की सांसें थम चुकी थी। बहुत सारा कोहरा था, दिखना भी मुश्किल हो रहा था, पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साथ साथ चल रहे थे। इसमें संतोख सिंह विर्क भी थे और जलंधर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और उसी बीच में जब हम थोड़ा आगे चल रहे थे तभी सूचना आ गई कि उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, उनकी जो दिल की धड़कन है वो तेज हो चुकी है और वहां पे वो अचानक से गिर पड़े, कोलैप्स हो गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के सीनियर नेताओं का जमावड़ा जुटता रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश जैसे नेता यात्रा के साथ लगातार जुड़ते रहे, लेकिन अनहोनी जहां होनी थी वो हो गई। संतोख सिंह के निधन की खबर मिलते ही यात्रा में खलबली मच गई। राहुल गांधी ने फौरन यात्रा रोक दी। वो बाई चांस उनको हार्ट अटैक आ गया है और ये दुखद घटना है और हम सब उसे अफसोस में है। ऐसा है, एज फैक्टर भी है और सर्दी भी है, तो ये नेचुरल एक ऐसा सिस्टम बन गया कि वो उनकी डेथ हो गई। संतोख सिंह पुराने कांग्रेसी रहे। 1978 में पंजाब यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने। 1992 से 2002 तक पंजाब के पिल्लौर सीट से विधायक रहे। 2002 में पंजाब में कैबिनेट मंत्री रहे। 2004 से 2010 तक पंजाब कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे। 2014 और 2019 में दो बार जालंधर से सांसद रहे। संतोख चौधरी का जो परिवार है पुराने समय से, लंबे समय से गांधी परिवार के बेहद करीबी रहा है। संतोख चौधरी पंजाब में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, दो बार सांसद रहे हैं। इनके पिताजी भी जो है कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, पुराने कांग्रेसी नेता हैं और ये जो है दलित राजनीति के लिए पंजाब में एक बड़ा चेहरा माना जाता है संतोख चौधरी का। और ऐसे समय में जब पूरे समय में कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ आगे बढ़ रहा था, तो ऐसे समय में भी संतोख चौधरी जालंधर की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते थे। लेकिन सबसे अहम बात ये कि संतोख सिंह गांधी परिवार के हमेशा करीब रहे, राहुल गांधी के विश्वस्त रहे और इस लिहाज से कि राहुल गांधी के लिए बड़ा नुकसान है। कमलजीत संधु के साथ सतेंद्र चौहान, लुधियाना, आज तक। तो संतोख सिंह के निधन से कांग्रेस को बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि एक तो कांग्रेसी सांसदों की संख्या घटती जा रही है और फिर राहुल गांधी ने पंजाब में एक ऐसा नेता खो दिया जो उनके करीबी थे, विश्वस्त थे। चौदह जनवरी की यह सुबह कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं रही।
कांग्रेस के सांसद संतोष सिंह का यूं निधन हो जाना कांग्रेस के लिए बड़ा धक्का इसलिए है क्योंकि संतोष सिंह कांग्रेस के बेहद विश्वस्त चेहरा थे, क्योंकि संतोष सिंह राहुल गांधी के बेहद करीब थे, क्योंकि संतोष सिंह पंजाब में कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे, क्योंकि संतोष सिंह के निधन से पंजाब में कांग्रेस का संख्या बल घटा है। कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है और खासतौर पर पंजाब कांग्रेस के लिए। इस वक्त जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, एक तरफ पे है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पंजाब कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा था, 77 सीट से लेके वो 18 सीट पे लुढ़ आ गए थे, इसमें मजबूती दिखाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफी अहम हो जाते हैं। और हमने देखा है कि बार बार चाहे रवनीत बिट्टू हैं, मनीष तिवारी हैं, अलग अलग नेता सामने आ रहे थे, मोहम्मद सदीक भी वहां पे शामिल थे। और इसी बीच में जहां तक क्षेत्र की बात करें, क्योंकि लुधियाना से जलंधर जा रहा था और ये जलंधर के एमपी हैं, आप देखिए जगह जगह इनके संतोष सिंह चौधरी के पोस्टर लगे हैं, तो जो नमन कर रहे हैं, जो यहाँ दिखा रहे हैं, तो इनकी तरफ से एरिया ऑफ डोमेन जो है वो इनका बनता था और इनकी जिम्मेदारी थी, और इसी वजह से वो राहुल गांधी के साथ साथ चल रहे थे। पंजाब में कांग्रेस चौतरफा घिरी है, पहले सरकार हाथ से गई, उससे भी पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी से हाथ मिलाकर बड़ा झटका दिया। राहुल गांधी पर पंजाब से लगातार हमले होते ही रहे हैं, मनीष तिवारी जैसे सांसद राहुल गांधी पर जब तब सवाल उठाते रहे हैं। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, 8 सांसद कांग्रेस के हैं, जिनमें संतोष सिंह भी शामिल थे, बीजेपी के 2, अकाली दल के 2, अकाली दल एम के 2 सांसद हैं। लेकिन संतोष सिंह का जालंधर में अच्छा खासा जनाधार है। चूंकि यात्रा जालंधर से गुजर रही है, तो संतोष सिंह पर यात्रा को कामयाब करने का भी जिम्मा था, लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा में उनकी मौजूदगी कभी नहीं दिखेगी। कमलजीत संधू के साथ सतेंद्र चौहान, जालंधर आज तक। लेकिन इस बीच पंजाब कांग्रेस के ही नेता प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि संतोष सिंह बिल्कुल स्वस्थ थे, पूरी तरह स्वस्थ थे, पिछले 3 दिनों से सोए नहीं थे। और संतोष सिंह के निधन पर बोले हैं प्रताप सिंह बाजवा, संतोष सिंह स्वस्थ थे, कोई भी तकलीफ नहीं थी, ये उनका कहना है। और ये भी कहना है, गौर करने वाली बात, कि 3 दिन से ठीक से सोए नहीं थे। कमलजीत सिंह संधू हमारे सहयोगी ने प्रताप सिंह बाजवा से बातचीत की है, आपको हम सुनवाते हैं उनकी प्रतिक्रिया, उन्होंने क्या कुछ कहा इस निधन को लेकर। With death of Santokh Singh Chaudhary, there's a huge setback for the Congress party. We have with us the leader of opposition in Punjab, Pratap Singh Bajwa. Sir, huge setback, but did he suffer any major ailments? I mean, how did they really transpire? See, what I have, I know him for a long time. And I know that he was very particular about his diet, very particular about exercising. He was almost at this age, he was completely fit. And he's never had any problems. And his wife was telling me that every 3 months he was so particular, he would get every single medical test of his. So in the morning, he was in very high spirits. And because the area that Rahul ji started in the morning is basically represented by Chaudhary Santokh Singh, that is the Jalandhar Parliament seat, and the local assembly segment is represented by his son Vikram Chaudhary, and there were thousands of people who had gathered to have a darshan of Rahul ji. And then what do you think led to the card? देखिए, केंद्र सरकार के खिलाफ राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं और जहां कभी उनकी तस्वीरें तो कभी बयान देश में जारी शीतलहर के बीच बेहद गर्मी पैदा करती रहती है। राहुल अपनी इस यात्रा में लगातार विपक्ष के नेताओं को जोड़ने की अपील भी करते रहे हैं, लेकिन यात्रा से जुड़ना तो दूर, कई नेताओं के निशाने पर हैं राहुल गांधी, आपको दिखाते हैं। स्वर्ण मंदिर से आई राहुल गांधी की इन तस्वीरों पर सियासत खूब गरमाई। अकाली दल और बीजेपी ने राहुल गांधी को 84 के सिख विरोधी दंगों की याद दिलाई। पंजाब राहुल गांधी के लिए बेहद अहम है। पंजाब से यात्रा कश्मीर जाएगी, 30 जनवरी को श्रीनगर में यात्रा का खात्मा होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस इस यात्रा के राजनीतिक लाभ तलाशने में लगी है, राहुल गांधी को विपक्षी एकजुटता की धुरी बनाने में लगी है। कांग्रेस ने देशवासियों के नाम राहुल गांधी की इस चिट्ठी को जारी किया, जिसमें लिखा है, मेरे प्यारे देशवासियों,
मैं ये पत्र आपको 3500 किलोमीटर की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद लिख रहा हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी। इस यात्रा ने मुझे आप सबके हक में लड़ने के लिए नई ताकत दी है। ये यात्रा मेरे लिए एक तपस्या थी। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि मेरे व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का एक ही लक्ष्य है, हक की लड़ाई में कमजोर लोगों की ढाल बनना। जिनकी आवाज दबाई जा रही है उनकी आवाज बनना। आपका अपना राहुल। इस यात्रा के बाद कांग्रेस को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनने को लेकर राहुल की दावेदारी मजबूत हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 पार्टियों को चिट्ठी लिखी है और श्रीनगर में 30 जनवरी को होने वाले समापन कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। लेकिन इस लिस्ट से केसीआर की टीआरएस, देवगौड़ा की जेडीएस, जगन की वाईएसआर कांग्रेस, केजरीवाल की आप, नवीन पटनायक की बीजेडी, अकाली दल, बद्रुद्दीन अजमल की AIUDF और ओएसी की AIMIM का नाम नहीं है। ओएसी को शायद ये बात चुभ गई है। नतीजा आप खुद देख लीजिए। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया वो, गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया, अपना नाम लेके बोल रहा मैं उसको, क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है। नजर रहेगी राहुल गांधी की इस यात्रा पर, क्योंकि नई लामबंदी इसी यात्रा से निकलेगी। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहाड़ों की और बर्फबारी की। देखिए पहाड़ों पर इस वक्त भारी बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं, सिमटे हुए हैं। तो वहीं हाईवे पर बर्फ के ढेर ने ट्रैफिक की रफ्तार भी रोक दी है, थाम दी है। देखिए लाहौल स्पीति में कल फिर से बर्फीले तूफान की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मनाली की बात कर लें तो मनाली में पारा 0 डिग्री पर पहुंच गया। शिमला में सड़क पर बर्फ के बीच फंसी एम्बुलेंस को किसी तरह निकाला गया। एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला थी। कुपवाड़ा में बीआरओ सड़कों से बर्फ हटाने में लगा हुआ है और औली में भी फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और पिछले 3 दिनों की बात कर लें तो देखिए 3 दिनों में रुक रुक कर बर्फ गिर रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी राज्यों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है और मौसम वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि टेम्परेचर डाउन होने वाला है, तो आप अभी तैयार रहें। सर्दी का सितम अभी जाने वाले नहीं है। देश के कई राज्यों में आज से फिर कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। कश्मीर में कुछ घंटों की बर्फबारी ने पूरी तरह से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शुक्रवार सुबह से ही कश्मीर के सभी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है और श्रीनगर में करीब 4 इंच से 6 इंच बर्फ अलग अलग इलाकों में जमा हो चुकी है, जबकि कश्मीर के अधिकतर पहाड़ी इलाकों में 1 फुट से 2 फुट बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है। अभी भी फिलहाल बर्फबारी हो रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि कल से मौसम एक बार फिर कश्मीर में सुधरेगा। लेकिन इस बर्फबारी के बाद न सिर्फ तापमान में गिरावट आई है, बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस बर्फबारी के बाद अब तापमान में जबरदस्त गिरावट कश्मीर में देखी जाएगी। इस बर्फबारी का असर न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि उत्तरी राज्यों में भी देखने को मिलेगा, जहां पर ठंड में और इजाफा होगा। फिलहाल प्रशासन इस काम में जुटा है कि किस तरह से लोगों को इस बर्फबारी से राहत मिले। अलग अलग सड़कों को साफ किया जा रहा है, साथ ही साथ बिजली की कटौती जो कई इलाकों में हुई है उसको बहाल करने की कोशिशें जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस बर्फबारी ने एक बार फिर जो है साबित कर दिया कि किस तरह से पूरा जनजीवन जो है वो प्रभावित होता है जब थोड़ी ही बर्फबारी कश्मीर में होती है। लोग कुछ खुश भी हैं, खासतौर से इस बर्फबारी के बाद, क्योंकि काफी समय के बाद पूरे कश्मीर में इस तरह की बर्फबारी हुई जो कहीं ना कहीं गर्मियों के महीनों के दौरान पानी के साधनों के लिए काफी जरूरी है। और साथ ही जो है इस बर्फबारी से जो है लोगों को एक तरफ जहां राहत मिली है, वहीं पर कश्मीर आने वाले हजारों पर्यटकों को बिन मांगी मुराद मिली है। गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, जो कई
इलाकों से बर्फबारी के लिए कश्मीर पर्यटक पहुंचे थे तो उनके लिए खुशी का माहौल ये बर्फबारी ले आई। अशरफानी, श्रीनगर, आज तक। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों पर भारी पड़ सकती है। और अब आपको हम दिखाते हैं, देश भर में तगड़ी ठंड की आहट के बीच मकर संक्रांति की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन ठंड में आस्था की डुबकी कैसे लगेगी, ये सोचकर ही कपकपी छूट जाती है। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं। यहाँ मकर संक्रांति की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें कि मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर बनाए गए 14 स्नान घाटों पर दो दिनों में लगभग 80 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है। इसके अलावा जल पुलिस और गोताखोर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही मेले की सुरक्षा में 200 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम नगरी प्रयागराज में। कहते हैं कि यहाँ की रेती को भी अगर आपने अपने सर पर लगा लिया तो आपके सारे दुख दर्द कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर माघ मेला चल रहा है। लगभग 45 दिनों तक ये मेला यहाँ पर चलेगा, जहाँ पर कल्पवास भी लोग कर रहे हैं। लगभग आपको बता दें कि 45 दिनों से यहाँ पर एक टेंट का पूरा शहर बसाया गया है, जहाँ पर जो गृहस्थ है वो यहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं। कल मकर संक्रांति का पर्व है, जब उत्तरायण होते सूर्य को कहा जाता है कि जो तमाम देवी देवता है वो भी उन्हें देखने के लिए इस पावन भूमि पर मौजूद होंगे। ऐसे में आस्था का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ने वाला है। लेकिन मकर संक्रांति की इन तैयारियों पर आस्था के स्नान पर ठंड घात लगाए बैठी है। जी हाँ, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 14 जनवरी से मैदानी इलाकों में मौसम तेजी से बदलेगा। शीतलहर तांडव मचाएगी और गिरते तापमान से कपकपी बन जाएगी। लेकिन श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। मकर संक्रांति का पर्व प्रकृति में और जीवन शैली में एक नए बदलाव का संकेत माना जाता है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति को भारतीय ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में बड़ा ही महत्व दिया गया है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य की आराधना के साथ साथ सूर्य और शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान करने से जीवन में खुशहाली आती है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य का उत्तरायण आरंभ होता है, जिसकी वजह से दिन बड़ा तो रात छोटी होने लगती है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान क्यों जरूरी माना जाता है? संपूर्ण भारत में यह पौराणिक काल से परंपरा चली आई है कि गंगा में इस दिन स्नान करना चाहिए, पवित्र सरोवरों में स्नान करना चाहिए, गंगा सागर में स्नान करना चाहिए, पवित्र सरोवर पवित्र नदियों में स्नान करने की पौराणिक परंपरा है उसी काल से। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से, दान करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन उड़द की दाल का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, सरसों के तेल का दान करना चाहिए और खिचड़ी का दान करने का विशेष महात्म्य बताया गया है। तो इस दिन इन दान करने से, स्नान करने से, इस दिन सूर्य देव की आराधना करने से, शनि देव की आराधना करने से नकारात्मक फलों में कमी हो जाती है और व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति का पर्व उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इस पर्व को मकर संक्रांति तो पंजाब में लोहड़ी, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति, वहीं गुजरात में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, जबकि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे सिर्फ संक्रांति कहते हैं। आज तक ब्यूरो।